आठवीं चरण के अंतर्गत हुए मतदान का मतगणना केंद्र आर के कॉलेज से हम दिखाएंगे कि आर के कॉलेज में जो मतगणना केंद्र बनाई गई है, जहां मधुबनी जिला के दो प्रखंड झंझारपुर एवं लखनऊ का काउंटिंग विभिन्न पंचायतों के लिए विभिन्न पदों के लिए यहां हो रही है। यहां कुछ कर्मीगण है, इन लोगों से जानकारी लेते हैं कि अंदर की क्या माहौल है और किस पद के लिए और कौन से कार्यों के लिए लगाई गई है। इन तमाम बातों को लेकर के हम यहाँ उपस्थित लोगों से जानकारी लेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार है, काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर में ड्यूटी लगाई गई थी हमारी। किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है? व्यवस्था बढ़िया है, बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है, बढ़िया व्यवस्था है, फर्स्ट क्लास। जहाँ कैंडिडेट अपने उम्मीद लेकर के आते हैं, तो क्या यहाँ 100% उसी उम्मीद के साथ उन लोगों के साथ पारदर्शिता के साथ जो है सो रिजल्ट दी जा रही है? हाँ जी, उतना ही, पूरा 100% पारदर्शिता के साथ रिजल्ट दिया जा रहा है, पूरा पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, कोई भी कहीं से भी किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। आठवीं चरण का अब तक का जो परिणाम रहा है और यहाँ की जो स्थिति रही है, अंदर की स्थिति, वो किस प्रकार की रही है? सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं आप, बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है। सेटिस्फैक्ट्री, तो क्या कहना चाहेंगे जो पंचायत में चुनाव जीत के जा रहे हैं उन उम्मीदवारों को, उन प्रत्याशियों को? उनको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आगे विकास का काम करें, जनता को और अपने गांव को आगे लेकर के जाएं, आगे बढ़े, विकास को आगे बढ़ाएं। बस मधुबनी प्रशासन द्वारा जिस प्रकार की व्यवस्था आर के कॉलेज में काउंटिंग के लिए विभिन्न प्रखंडों और विभिन्न पंचायतों को लिए की गई है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था था, टाइम पे नाश्ता खाना सब मिल गया, और अभी हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चूँकि रिजर्व में हम लोग को डाल दिया था, तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है नहीं कि जाए या ना जाए। बस इस पर अगर किसी तरह से कुछ डिसीजन आ जाता कि हाँ रिजर्व वालों को क्या करना है, जैसे कि मेरा लखनऊ ब्लॉक में था, लखनऊ ब्लॉक का सारा हो चुका है, तो अभी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा इशू है कि रिजर्व वालों क्या करना है क्या नहीं है, इस पर थोड़ा सा डीएम साहब को देखना चाहिए। वेट एंड वॉच में है? हाँ जी, वेट एंड वॉच में। एक और भाई साहब हैं और यहाँ मतगणना केंद्र पर इनकी भी ड्यूटी लगी है, तो इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मोहम्मद अथहर अंसारी। किस पद के लिए हैं यहाँ पे? काउंटिंग सुपरवाइजर। काउंटिंग सुपरवाइजर, तो यहाँ की जो माहौल है वो किस प्रकार की है? यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, शांतिपूर्ण है, पीसफुल है, इसमें मतगणना हो रहा है। जो अभ्यर्थी प्रत्याशी रहे हैं वो जो है यहाँ के रिजल्ट से संतुष्ट हैं क्या? हाँ, यहाँ जो है हम 22 तारीख को भी यहाँ काउंटिंग कराए हैं राजनगर का, तो यहाँ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है, कोई इसमें जो है ना ये मार्गेनिंग नहीं हो रही है। हाँ, मार्गेनिंग नहीं हो रही, पारदर्शिता के साथ हो रही है। फुली ट्रांसपेरेंसी है, पूरा पारदर्शिता के साथ हो रही है। अच्छा, यहाँ जो कर्मी है या पदाधिकारी है उनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था के प्रशासन के द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ आर के कॉलेज में की गई है? यहाँ अच्छा व्यवस्था किया गया, प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया जी। तो हम आर के कॉलेज के अंदर की स्थिति को दिखा रहे हैं। आठवीं चरण के लिए हुए मतदान जो लखनऊ एवं झंझारपुर ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों के लिए की गई मतदान का यहाँ मतगणना हो रही थी, और मतगणना केंद्र के अंदर जो कर्मी नियुक्त किए गए थे उनके माध्यम से अंदर की फीडबैक लिए हैं, और इसके संदर्भ में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करेंगे।